नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। सीए पर मौलाना खारिद रसिद फिरंगी महली का बयान। हमारे जो कानून के जानकार हैं, वह पहले इस पर स्टडी करेंगे। फिलहाल जो जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से यह बयान आया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि हर तरह से अमन को कायम रखे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वह अब इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी। तमाम जिम्मेदारान की तरफ से बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से हम अमान कायम रखें, और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी, और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। इस समय इस तरह का आना कैसे देखते हैं आप? सुना नहीं, अब तो ये जाहिर सी बात है, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें, और इंशाल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नजरिया होगा वो पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग दबा देते हैं, नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए, और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी, लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। चांद देख लीजिएगा, रमजान का कल से रमजान मुबारक शुरू हो रहा है, कैसे देखते क्या करना है? मैं मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान करता हूँ कि आज लखनऊ में रमजान मुबारक का बहुत साफ चांद नजर आ गया है, लिहाजा आज से ही तरावी का अहतमाम किया जाएगा, और कल यानी 12 मार्च 2024 को पूरे मुल्क में पहला रोज़ा है, और मैं रमज़ान की तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तरह तरह के लोग जो नमाज पढ़ते हैं उसमें काफ़ी जो है इंतशार का माहौल बनता है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? रमज़ान मुबारक के सिलसिले में भी इस्लाम सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से ये गाइडलाइन इशू की गई है कि सब लोग तरावी का मसाजिद में, अपनी इबादतगाहों में अहतमाम करें, और अफ्तार और सहरी का खुसूसी अहतमाम करें, और जिन लोगों को पर ज़कात वाजिब है वो ज़कात के साथ साथ सदका सदक़ात और खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसी के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए बल्कि इबादत गाहों में ही नमाज का अहतमाम किया जाए।